भाई इतनी चालाक हैं दोनों माँ बेटियां। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, नींद नहीं आ रही थी। तुमने घर के सारे काम कर लिए? हाँ कर लिए, तभी तो अंदर आई हूँ। अरे नोमी, तुम अब तक जाग रहे हो? जब मैं जाग रहा हूं तभी तो सामने खड़ा हूं। सुहाना और सुल्तान का मरी और कागान जाने का प्रोग्राम उड़न छू हो गया। अच्छा, कैसे? मैंने किया। वाह, आपने रोका है सच में? अरे सुल्तान ने तो बहन भाई को पूछा ही नहीं, हालांकि उसका फर्ज था कि दोनों खानदानों को एक साथ लेके जाता। अरे अम्मी, आपको हमारा कितना ख्याल है। हाँ भाई, सुहाना को मैं इतनी आजादी और छूट हरगिज नहीं दे सकती कि वो मेरे बेटे को गुलाम बना के अकेले अकेले फिरती रहे और मेरे दूसरे बच्चे तरसते रहे। वाह नोमी, कितनी खुश नसीब हूं ना मैं, ऐसी सास किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा तू ज्यादा मक्खन न लगा। हाँ अरे मुझे याद आया, और शुक्र है कि मुझे याद आ गया। मैंने सुल्तान से कहा कि भाई इस घर की जरूरतों के लिए हमने एक भारी रकम उधार ली थी, मरी वरी छोड़ ये कर्ज उतारने की सोच, मान गया।